तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये मेरी नियॉन पोथोस की कटिंग जो मैंने लिया था वो मैंने लगा दिया, और आशा करती हूँ अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि इसकी जो रूट है उसको मैंने अंदर डाल दिया मिट्टी के अंदर। अगर आप चाहो रूट को थोड़ी सी कट करके प्रून करके भी लगा सकते हो। मैंने काटा नहीं, रूट सारे जितने भी रूट्स निकल आए थे उन सभी रूट्स को मैंने मिट्टी के अंदर मैंने डाल दिया। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं ओशिम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी जा रही थी बाहर तो सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं परसों ही घर पे आई हूँ, बहुत दिनों बाद मैं घूम के घर पे आई हूँ। तो आप समझ सकते हो मेरी हालत जैसी ख़राब है, मेरी प्लांट की हालत भी वैसे ही ख़राब है। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था, बुखार हो गया था। अब गला थोड़ा सा बैठा है तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेरे नियॉन पोथोस को प्रोपोगेट करना है, उसको कैसे केयर करते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की वीडियोस आ चुकी है, मैंने वॉच नहीं किया, अब से रेगुलरली वॉच भी करूँगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करती हूँ वीडियो, और आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलो शुरू करती हूँ आज की वीडियो। फ्रेंड्स ये है मेरी नियॉन पोथोस, इसको कोई कोई लोग मनी गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं, नियॉन मनी प्लांट बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसकी पत्तियों के कारण। इसकी देखो इसकी जो लीव्स है वो गोल्डन कलर की हो जाती है, और आप इसको अगर सही तरीका सही केयर में रखो तो इसकी जो लीव्स है बहुत खूबसूरत लगती है। इसको आप हैंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके केयर के बारे में सबसे पहले आती है सनलाइट। इसको जो सनलाइट है वो अगर अच्छी मिले तो इसकी कलर बहुत अच्छी आती है। इसको डायरेक्ट धूप में आपको नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की मनी प्लांट हो डायरेक्ट धूप में अगर रखते हो तो इसकी जो टिप है वो जलने लगती है। इसलिए आप किसी भी प्रकार की मनी प्लांट हो उसको आप थोड़ी सी शेड में रखो जहां ब्राइट लाइट आती है लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं लगती, ठीक है, ऐसी जगह पे रखो। मैंने इसको बारांदा पे रखी है, आप इसको बारांदा पे या फिर किसी भी शेडी प्लेस पे आप इसको रख सकती हो। पहले मैं कर लेती हूँ धूप की बात, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी जो मिट्टी, इसकी जो मिट्टी मैंने बनाई है फ्रेंड्स, इस पे एक भाग मिट्टी ग्राउंड जो गार्डनिंग सॉइल है, एक भाग गार्डनिंग सॉइल, एक भाग खाद, और बाकी मैंने इस पे जो सैंड है सैंड मिलाई है। इस तरीके से मिट्टी बनाने से इस पे पानी नहीं जमती और ये प्लांट अच्छी चलती है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनी प्लांट हो अगर बहुत ज्यादा पानी हो जाए या फिर इसकी जो मिट्टी है वो सौगी रहे तो प्लांट धीरे धीरे करके खराब हो जाती है। और पॉट जो है, पॉट आप किसी भी प्रकार की पॉट पे इसको लगा सकते हो। देखो छोटी सी पॉट पे ये प्लांट बढ़ चुकी है, तो इसको मैं अलग से प्रोपोगेट करके अलग अलग जगह पे लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो मिट्टी मैंने बोली है ऐसी मिट्टी ही आपको चूज करनी है, एक भाग सैंड एक भाग खाद एक भाग ग्राउंड जो गार्डनिंग सॉइल है गार्डनिंग सॉइल। उसके बाद जो पॉट लेना है, पॉट पे अच्छी पॉट जैसे भी हो, प्लास्टिक की हो मिट्टी की हो किसी भी प्रकार की पॉट हो, अच्छे से नीचे होल होना चाहिए अगर ताकि इसके जो पानी है वो इस पे जमा होने ना पाए, ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। अगर मैं खाद की बात करूं फ्रेंड्स, इस प्लांट को उतना ज्यादा खाद देने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, अगर मिट्टी मैंने जैसे बोला है वैसे मिट्टी अगर आप बना के इसको लगाते हो तो उतना ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप इस पे कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इस पे आप इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, पत्तियों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप एनपीके का यूज कर सकते हो। 19:19:19 के रेशियो में जो आती है एनपीके, एक लीटर पानी में आप एक चम्मच दे के उसको घोल के आप पूरी जो पत्तियों की फॉलिएज जो पत्तियां है उस पर आप स्प्रे कर सकते हो। इससे इसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगी और आपकी पत्तियां जो बहुत हेल्दी होगी। उसके बाद आप इसको आप महीने में एक बार करो, उसके बाद आप कर सकते हो महीने में एक बार अगर आप चाहो एप्सम सॉल्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो एप्सम सॉल्ट को भी आप दे सकते हो। एक चम्मच एप्सम सॉल्ट एक लीटर पानी में घोल के आप इसकी जो फॉलिएज है उस पर आप स्प्रे कर सकते हो। इससे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होती है, अच्छी क्लोरोफिल और अच्छी फोटोसिंथेसिस के कारण आपकी जो पत्तियों की कलर है वो बहुत निखरती है, पत्तियां बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फर्टिलाइज करो। अगर आपके पास ये दोनों कोई भी नहीं, ये दोनों फर्टिलाइजर नहीं है, आप
ऑर्गेनिक देना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होती है चावल धोने की जो पानी हम घर पे यूज़ करते हैं, चावल उसको जब धोते हैं उसका जो पानी होती है उसको आप हफ्ते में एक बार पूरी प्लांट पे, वैसे भी प्लांट को आप पत्तियों को आप थोड़ी सी साफ करने के लिए आप पानी का स्प्रे कर सकते हो, उसकी जगह आप चावल की जो पानी है उससे आप अपने जो पत्तियां है उसको मॉर्निंग में आप स्प्रे कर दो, शाम को आप पूरी पत्तियों को साफ कर दो, इससे इसको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। और उसके बाद आप और एक काम कर सकते हो, कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉफ़ी पाउडर को आप घोल के उसके पानी को आप अपने जो प्लांट है उसकी पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हो। देखो न्यू न्यू पत्तियां निकल रही है। तो ये गई इसकी केयर की बात, सिर्फ इतना ही केयर है। और अगर आप चाहो, प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर आप चाहो तो पॉट को आप रिपोर्ट कर सकते हो, पॉट थोड़ा सा बड़ा आप दे सकते हो, इससे ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मॉस्टिक लगाना चाहते हो, मॉस्टिक लगाने से क्या होता है आपके प्लांट को सपोर्ट मिलता है, आपकी प्लांट अच्छी चलती है। मैंने यहाँ जुगाड़ की मॉस्टिक लगा रखी है, कुछ दिन बाद मैं इस पर जो मॉस्टिक आती है वो मॉस्टिक मैं लगा दूंगी। अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करूँ, बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाती है, मनी प्लांट की तरह ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाती है, एक पत्तियों से भी इस पर रूट निकल आती है। अगर आप चाहो, देखो जहाँ जहाँ से इस तरीके से रूट आ चुका है, ठीक है, इसकी जो नॉड एरिया है जहाँ जहाँ से रूट आ चुकी है, आप उसको वहाँ वहाँ से कट करके, जैसे कि मैं इसको यहाँ कट कर दूंगी, इसकी देखो छोटे से छोटे कटिंग भी लग जाती है, जैसे कि यहाँ मैं इसको कट कर दूंगी, यहाँ ये नॉड एरिया है, यहाँ मैं इसको कट कर दूंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके जो प्लांट है वो आप ढेर सारे बना सकती हो। देखो इस तरीके से कट कर करके आप अलग अलग करके लगा सकती हो, इससे आपकी प्लांट आपके पास बढ़ जाएगी। दूसरी है, यहाँ से आपको और एक और दो तीन स्टेम निकल आएगी, इसके आपकी प्लांट भी बूशी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको लगा सकती हो। और फिर फ्रेंड्स अगर आप बात करो इसके इंसेक्ट की, इस पर वैसे तो मेरी प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट नहीं अभी दिख रहा है मुझे। आप नीम ऑयल का स्प्रे अगर आपकी प्लांट पे, कभी कभी क्या होता है मिली बग जो होती है ना, सफ़ेद कलर की जो मिली बग होती है वो इस तरीके से पीछे घर कर लेती है, उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आपको बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए आप पीछे से भी इसकी पत्तियों को अच्छे से धो देना, ठीक है, कुछ दिन बाद बाद अच्छे से पानी पीछे से भी स्प्रे कर दो तो इस पर कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं जमेगी और इस पर कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। और फिर अगर फिर भी आपकी प्लांट पे इंसेक्ट आती है तो आप क्या करो, जो हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर से ही करो। तो फ्रेंड्स इसकी देखभाल सिर्फ इतना ही थी, और अभी मैं इसको भी लगा दूंगी अलग करके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चारों तरफ ग्रीन बनाइए। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ, मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खुश रहिए और गार्डनिंग कीजिए। थैंक यू।